और ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट ले लेना है स्लीव के लिए। और स्लीव के लिए जो मेन फैब्रिक है वो मैंने फोर फोल्ड कर लिया है। और जो स्लीव का मैंने लंबाई रखा है 7 इंच, लेंथ 7 इंच रखा है। और मैंने जो मेजरमेंट लिया था वो आया था मेरा 8.5 इंच आया था। तो 8.5 इंच में मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ये पफ देने के लिए। और इस तरह से 3.5 में और एक मार्किंग कर देना है। और भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। अभी इस साइड से 2 इंच में मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से 1 इंच में मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। और भी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाना है और जो स्लीव है स्लीव का शेप दे देना है। तो मैंने स्लीव का शेप दे दिया है। और जितना आपका जो मुहूरी है वो ले लेना है। तो मेरा मुहूरी था 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 2 इंच। तो मेरा जो स्लीव का है वो मार्किंग करना हो गया है। अभी मैं इस साइड से मैंने सिर्फ 3 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है पफ के लिए, क्योंकि मेरा जो फैब्रिक है बहुत ही कम था। आप लोग 5 इंच तक स्लीव का पफ के लिए ले सकती है, तो मैंने सिर्फ 3 इंच रखा है। तो मेरा ही ये स्लीव का फैब्रिक। तो स्लीव के लिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डालूंगी। इस तरह से मैंने 4.5 इंच छोड़ते हुए छोटा छोटा सा प्लेट डाल रही हूँ इस तरह से। छोटा छोटा प्लेट डालना है, बड़ा बड़ा प्लेट डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और इस तरह से आप लोगों का पॉप स्लीव बनाएंगे तो आप लोगों का जो पॉप है बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक बार सिला के जरूर देखिएगा। ये जो पॉप है ना बहुत ही अच्छा आती है, मतलब ज़्यादा भी फुला भी नहीं होता है और कम भी फुला नहीं होता है। मतलब मीडियम से स्लीव जो पॉप स्लीव है वो रेडी हो जाती है। तो मैंने दोनों और इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। दोनों और मैंने इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दिया है। आप लोग देख सकते हो कितना पॉप कितना अच्छा आई है। और मैं नीचे जो लेस के लिए ये जो एक्स्ट्रा पट्टी था ना, वो एक्स्ट्रा पट्टी को अस्तर का फैब्रिक भी लगा लिया है एक्स्ट्रा पट्टी में। तो दोनों फैब्रिक को इस तरह से मैं मिलाते जाऊँगी। और जो मुहूरी के साइड है, मुहूरी के साइड में मैं सिलाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकती हो इस तरह से आप लोग स्लीव सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो एक्स्ट्रा पट्टी भी लगाना सही तरीके से हो जाती है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने एक सिलाई डाल दूंगी। उसके बाद देखना जो स्लीव होता है ना बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो जाती है और उसका जो पॉफ है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने दोनों स्लीव इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। ये आप लोग देख सकती हो जो स्लीव है बहुत ही अच्छा आई है। और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई किया है। अभी स्लीव को इस तरह से दो मिलाना है। और जो स्लीव का मिडिल है, मिडिल में एक छोटा सा मैंने काट भी लगा लिया है। आप लोग देख सकते हो दोनों स्लीव को इस तरह से मिलाना है। छोटा सा मैंने मार्क भी कर लिया है। अभी स्लीव को जो शोल्डर होता है, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को अटैच करना चाहिए। आप लोग हमेशा ही स्लीव जो होता है उसकी शोल्डर से लगाना। तो शोल्डर से लगाने से जो स्लीव है वो फिनिशिंग के साथ फिटिंग होता है, नहीं तो स्लीव झूल पड़ जाती है, स्लीव छोटा बड़ा हो जाती है। आप लोग इस तरह से स्लीव लगाएंगे तो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा और फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मैंने एक साइड से इस तरह से लगा लिया है। अभी नेक्स्ट साइड को इस तरह से पकड़ना है। अभी ये साइड से भी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए स्लीव को सिलाना है। तो मैंने दोनों स्लीव इसी तरह से लगा लिया है। ये दोनों स्लीव लगाना हो गया है, आप लोग देख सकती हो। अभी जो ब्लाउज है उसको उल्टा करते हुए जो फिटिंग के लिए मैं मार्किंग कर लूँगी। तो मैंने फिटिंग के लिए इस तरह से मार्किंग कर लिया है। आप लोग का जितना चेस्ट है इतने में मार्किंग कर लेना है और जितना वेस्ट है इतने में मार्किंग कर लेना है। और स्लीव का जो मुहूरी है जितना है इतने में मार्किंग करते हुए फिटिंग के लिए सिलाई कर लेना है। तो मैं दोनों साइडों में फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। और ये है बैक पार्ट, आप लोग देख सकती हो
स्लीप का जो फिनिशिंग है कितना अच्छा आई है, उसका पप भी बहुत ही अच्छा आई है। और बैक साइड में ये मैंने लटकन भी लगाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और मैंने हुक भी लगा लिया है। और ये जो बैक पार्ट है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये है फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट भी बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया था। और ये जो ब्लाउज है उसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आई है, आप लोग खुद ही देख सकती हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये जो ब्लाउज। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।